तेलंगाना के भूपालापल्ली के आदिवासी लंबाड़ा विवाद गुरुवार को हिंसक मोड़ ले लिया है। बता दें कि मेडाराम जात्रा ट्रस्ट बोर्ड में दो लंबाड़ा सदस्यों को हटाने की मांग को लेकर कुछ दिनों से आदिवासी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में तेलंगाना सरकार ने हाल ही में 11 और लंबाड़ा सदस्यों को नियुक्त किया है। ये लोग आज बोर्ड सदस्यता की शपथ लेने के लिए मेडाराम धर्मस्व कार्यालय को रवाना हुए। ये आदिवासियों ने उन्हें रोका और उनके वाहनों को आग लगा दी। साथ ही आंदोलनकारियों ने शपथ समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे मंत्री चंदूलाल के बेटे प्रहलाद के वाहनों को भी ध्वस्त कर दिया। इसी के चलते भारी संख्या में उपस्थित आदिवासियों ने उस मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों पर पथराव करना आरंभ कर दिया। इस घटना में अनेक भी वाहन ध्वस्त हो गए। दूसरी ओर पुलिस ने आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया प्रयास नाकाम रहा है। इसके चलते आंदोलनकारियों ने मेडाराम स्थित RTDA कार्यालय को आग लगा दी। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था। कार्यालय में रखे फर्नीचर्स और फाइलें जल जाने की खबर से मुलुक DSP रावेंद्र रेड्डी ने बताया है कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त बल भेज दिया गया है। समस्याओं के निवारण के लिए वो स्वयं आदिवासियों से बातचीत कर रहे हैं।